कहने को कोई शब्द नहीं, क्योंकि लोकसभा अध्यक्ष ने मान बढ़ाया है। सबको अपनी बात कहने की अभिव्यक्ति की आजादी अगर कहीं है तो भारत की संसद के अंदर है। इनसे नीचे की ओर राजस्थान से कोई लोकसभा अध्यक्ष बना है तो हमारे लिए तो ये गर्व की बात है कि कोटा बूंदी लोकसभा से लोक सारा देश सुन ले समझ ले इस बात को कि ओम जी भाई साहब युवा मोर्चा से ही हमसे प्रेरणा करते थे युवा कार्यकर्ताओं से कि राजनीति का मतलब जिंदाबाद सिर्फ जिंदाबाद मुर्दाबाद नहीं है, राजनीति का मतलब समाज सेवा। और आप देख सकते हैं इस समय कोटा बूंदी के सांसद ओम बिरला जो कि लोकसभा अध्यक्ष हैं, लोकसभा अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार रामगंज मंडी विधानसभा में पधार रहे हैं और ये नागरिक अभिनंदन कार्यक्रम जो आज कृषि उपज मंडी प्रांगण में उनका रखा गया है, तालियों की गड़गड़ाहट के बीच रामगंज मंडी के नगरवासी अपने लाडले सांसद और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला का स्वागत कर रहे हैं। इस बीच ओम बिरला के साथ आप देख सकते हैं कि रामगंज मंडी के विधायक मदन दिलावर, सांगोद के पूर्व विधायक हीरालाल नागर भी साथ में मौजूद हैं, रामगंज मंडी के गणमान्य नागरिक जयवीर सिंह अमृत कुआ जो कि देहात जिला अध्यक्ष है भारतीय जनता पार्टी के, वो मौजूद हैं। कड़ी सुरक्षा के बीच में ओम बिरला अपने हाथों को जोड़ते हुए लोगों के मध्य मंच तक पहुंच रहे हैं। स्वागत करें और दाई ओर से उतरकर अपना स्थान ग्रहण कर लें। नागरिक अभिनंदन के इस कार्यक्रम में शरीक होने के लिए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला रामगंज मंडी पहुंचे हैं और रामगंज मंडी के नागरिकों के मध्य से होते हुए अब वो पहुंच रहे हैं मंच तक। आप देख सकते हैं जो रामगंज मंडी में लोग हैं वो किस तरीके से तैयार हैं अपने लाडले सांसद के स्वागत के लिए, धीरे धीरे मंच की ओर बढ़ रहे हैं लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला। ओम कृष्ण जी बिरला साहब हमारे बीच में पधार रहे हैं। निवेदन करूंगा कि वह अपना स्थान अपना आसन ग्रहण करें। माननीय विधायक जी मदन जी दिलावर साहब अपना स्थान ग्रहण करें। भांडपुरा विधायक माननीय देवीलाल जी धाकर साहब अपना स्थान ग्रहण करें। हीरालाल जी नागर साहब जिलाध्यक्ष तमाम रामगंज मंडी के जो जनप्रतिनिधि हैं वो भी मंच पर मौजूद हैं। चेयरमैन पालिका अध्यक्ष हेमलता शर्मा, प्रधान खेराबाद पंचायत समिति भगवान सिंह धाकड़, पासी की जो लोकसभा लगती है गरोड़ भानपुरा, पार्टी पासी की जो विधानसभा लगती है गरोड़ भानपुरा, उस गरोड़ भानपुरा विधानसभा के विधायक देवीलाल धाकड़ मंच पर मौजूद हैं। के एस एस आई ए अध्यक्ष नरेंद्र काला जो कि मंडल अध्यक्ष भी हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो भी मंच पर मौजूद हैं। पालिका उपाध्यक्ष ओम प्रकाश गुर्जर, जिला परिषद सदस्य बद्री गोचर, ये सभी मंच पर मौजूद हैं लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के साथ। और अब लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला का जो नागरिक अभिनंदन है वो कार्यक्रम शुरू होने जा रहा है, कृषि उपज मंडी प्रांगण रामगंज मंडी। मंच के दाई ओर जो सीढ़ियां हैं हमारे साथ इस समय मौजूद है लोकसभा अध्यक्ष के अभिनंदन नागरिक अभिनंदन समारोह में रामगंज मंडी की पालिका अध्यक्ष हेमलता शर्मा। रामगंज मंडी पालिका की ओर से भी नागरिक अभिनंदन किया गया लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला का। अपनी लोकसभा, अपनी विधानसभा और अपनी ही लोकसभा का बेटा आज लोकसभा अध्यक्ष के इस पद पर विराजमान है, कैसा अनुभव? कहने को कोई शब्द नहीं,
क्योंकि लोकसभा अध्यक्ष ने मान बढ़ाया है, राजस्थान का नाम ऊंचा किया है, हमारे देश का विदेश में और नाम ऊंचा किया है इस हाड़ौती की धरती का। वो जो सम्मान उनने दिलाया है और जिस निष्पक्षता से, स्पष्टता से कार्यशैली की है और जिस तरह के कानून उनके समय में पारित हुए हैं, इसके लिए देश हमेशा रामगंज मंडी के कृषि उपज मंडी प्रांगण में, कोटा जिले की जो ये रामगंज मंडी है और जिस धनिया मंडी में अभी सांसद ओम बिरला का स्वागत चल रहा है, ये धनिया मंडी विख्यात है, फेमस है अपने नाम के लिए, अपने व्यापार के लिए। आपको पता होगा कि जो धनिया है उस धनिया का सबसे ज़्यादा व्यापार इस रामगंज मंडी से होता है। रामगंज मंडी व्यापारिक क्षेत्र है, यहाँ का कोटा स्टोन भी उतना ही फेमस है तो धनिया भी यहाँ का उतना ही फेमस है। एशिया की नंबर वन धान मंडी इसको कहा जाता है धनिये के क्षेत्र में। इस समय लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला का नागरिक मीडिया हाउस राजस्थान में आपका स्वागत है। इस समय हम मौजूद हैं रामगंज मंडी के कृषि उपज मंडी प्रांगण में, जहां पर स्वागत चल रहा है, अभिनंदन चल रहा है, नागरिक अभिनंदन लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला का। इस नागरिक अभिनंदन को आयोजित करने वाले जो रामगंज मंडी के भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष भी हैं, साथ ही साथ कोटा स्टोन स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एसोसिएशन जो यहाँ की एक बहुत बड़ी संस्था है कोटा स्टोन के व्यापार की, उसके अध्यक्ष भी हैं नरेंद्र जी काला, वो हमारे साथ मौजूद हैं। नरेंद्र जी काला, क्या मायने हैं नागरिक अभिनंदन के? जब हमारे सांसद साहब ओम जी बिरला दूसरी बार विजय होकर दिल्ली पहुंचे, उसके कुछ ही दिनों बाद माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी और पार्टी ने डिसीजन लेकर इनको लोकसभा अध्यक्ष बनाया। लोकसभा अध्यक्ष बनने के बाद शायद ये पहला मौका है कि राजस्थान से कोई लोकसभा अध्यक्ष बना है, तो हमारे लिए तो ये गर्व की बात है कि कोटा बूंदी लोकसभा से लोकसभा अध्यक्ष बने हैं। इससे क्षेत्र को कई फायदे होंगे, कोई भी चीज़ है डायरेक्ट अप्रोच में आज हम आगे हैं, कहीं भी नाम पूछो कोटा बूंदी का तो लोकसभा अध्यक्ष ओम जी भी लगा आज पूरे देश में नाम है, तो हमारे काम निश्चित रूप से प्रायोरिटी पे होंगे। बिरला जी ने मंच से भी यह कहा कि जितनी जीत मुझे लोकसभा के चुनाव में मिली है 2019 में, उसमें सबसे ज़्यादा जीत मुझे रामगंज मंडी से मिली है। कहीं ना कहीं वो आप लोगों का योगदान था, क्योंकि आप लोग ग्राउंड लेवल पर काम कर रहे थे, इसको किस तरीके से देखते हैं आप? नहीं, बिल्कुल, सबसे बड़ी जीत रामगंज मंडी से 64,000 वोटों से वो विजयी हुए हैं। तो यहाँ बिरला जी ने ऐसे काम भी कराए थे, उन्होंने प्रायोरिटी पे लोगों की पर्सनल समस्याएं भी सुनी और क्षेत्र के विकास में कोई कमी नहीं छोड़ी, इसलिए सबसे ज़्यादा वोटों से यहाँ से जीते हैं वो। आप एक रामगंज मंडी के, ये कह सकते हैं कि रामगंज मंडी की जनता होने के साथ साथ आप यहाँ की जो एक बहुत बड़ी संस्था है, अब उसके अध्यक्ष भी हैं, क्या मांग आपने रखी है और किस तरीके से इस रामगंज मंडी के विकास में अब आप सहभागी बनेंगे, क्या क्या मांग उनसे की है आपने इसके माध्यम? हमने उनको कोटा स्टोन इस्माल की तरफ, स्केल एसोसिएशन की तरफ से ज्ञापन सौंपा है और मुख्य मांग हमारी ये है कि कोटा स्टोन को सरकारी कामों में अप्रूव किया जाए, रेलवे स्टेशन पे वो लगे, मतलब उसमें अप्रूवल दी जाए कि ये यहाँ पे लगेगा, इसलिए लगे
कि ये सस्ता भी है, गुणवत्ता में भी है, जितना पुराना होता है उतनी बढ़िया इसकी क्वालिटी होती जाती है। तो कोटा स्टोन सरकारी संस्थाओं में अप्रूव्ड हो इसकी हमने मांग करी है, मांगे तो और कहीं करी है, लेकिन ये मांग अगर पूरी होती है तो निश्चित रूप से कोटा स्टोन को फिर और कोई चीज़ की जरूरत नहीं पड़ेगी, इतनी डिमांड। कहते हैं कि जो भी एक नेता होता है वो पहले कार्यकर्ता होता है, और कार्यकर्ता होने के साथ साथ आज लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर तक लोकसभा अध्यक्ष की कुर्सी पर विराजमान हुए ओम बिरला, लेकिन उनकी शुरुआत कहाँ से रही होगी, शुरुआत कैसी रही होगी? आज रामगंज मंडी की धरा पर हैं ओम बिरला, तो रामगंज मंडी की धरा पर उनकी जो यादें हैं जब वो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बने थे भारतीय जनता युवा मोर्चा के, तो उस समय उनके साथ रामगंज मंडी के भारतीय जनता पार्टी के दो कार्यकर्ता जो उस समय मंडल अध्यक्ष रहे थे, नगर अध्यक्ष रहे थे, पहले वीरेंद्र जैन नगर अध्यक्ष रहे थे और उनके तुरंत बाद राजेंद्र सोनी अध्यक्ष बनाए गए थे। बहुत ही गहरा लगाव उस समय, यानी कि ये बात मैं आपको बता रहा हूँ तकरीबन 27 साल पहले की, 27 साल पहले भी उनका जुड़ाव इनसे उतना ही था और आज भी जुड़ाव उतना ही है। जानेंगे इनसे कि इनको किस तरह की अनुभूति होती है जब इतने बड़े पद पर उन्हें देखते हैं, लेकिन आज पूछते हैं इनसे उस समय की कुछ यादें। सबसे पहले तो आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद राजेंद्र जी। सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जब आप 92 में अध्यक्ष बनाए गए युवा मोर्चा के, उस समय बिरला जी के साथ आपके क्या पल थे, उन्हें साझा कीजिए मीडिया के साथ। जब मुझे 92 में युवा मोर्चा का अध्यक्ष बनाया गया तो भाई साहब से संपर्क होते ही रहता था, उन्होंने हमेशा संगठन को सर्वोपरि रखकर बात करी, हमेशा हमें यही कहते थे कि संगठन का काम जितने जी जान से हो करना चाहिए और संगठन में जो भी काम करता है उसको उसके अनुरूप उस समय समय पर उसको उसका लाभ मिलना चाहिए और समाज सेवा सर्वोपरि होनी चाहिए संगठन में रहते हुए। आप कितना बदलाव देखते हैं उनमें जब आपने उनके साथ काम किया और आज 27 साल बीत गए, कितना बदलाव देखते हैं उनके व्यवहार में या उनकी कार्यकुशल मतलब कार्यशैली जो है उसमें? वो मैं बहुत पहले से जानता हूँ, वो हमेशा जनता के बीच में रहकर और जनता के सुख दुख को साझा करते थे और उसी के अनुरूप जनता की डिमांड के अनुरूप ही वो काम करते थे। छात्र राजनीति से लेके छात्र संगठन की पहली सीढ़ी से संसद की पहली सीढ़ी तक का संघर्ष उनका, मतलब संगठन के साथ समाज सेवा से जुड़ा हुआ, उन्होंने अनेक समाज हित के काम किए, जैसे गरीब आदमी जो वस्त्रहीन है, जो गरीब आदमी है जिनके वस्त्र नहीं है, तो कोटा में कई ऐसी योजनाएं चला रखी है जिससे गरीबों को वस्त्र मिले, कोई भूखा नहीं रहे, उससे उन्होंने अन्नकूट की योजनाएं चलाई ताकि कोई भूखा नहीं रहे, ऐसे कई समाज सेवा से जुड़े हुए काम वो करते रहे और निरंतर तरक्की के राह पर देखा मैंने। जैसे बड़े पद पर भी रहे भारतीय जनता पार्टी के और प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य भी रहे, और आप एक अच्छे वक्ता तो हैं ही, लेकिन साथ में आपने उस समय उन्हें क्या वो स्ट्रेटेजी बताई थी वार्ड अध्यक्ष वाली जो आपने हमसे साझा की थी, वो क्या वो स्ट्रेटेजी थी जिसे उन्होंने अप्लाई किया था? बीजेपी में तो ऐसा होता है कि पंचायत की और सब इकाइयाँ होती है, पर कोटा शहर में और रामगंज मंडी नगर में सिर्फ युवा मोर्चा की नगर इकाई होती थी, वार्डों पे युवा मोर्चा का कोई काम नहीं होता था। तो मैंने जब युवा मोर्चा अध्यक्ष बना और ओम जी भाई साहब प्रदेश अध्यक्ष थे, तो मैंने नगर में 16 वार्ड थे, 16 ही वार्डों में वार्डों की कमेटियां बना दी और 16 में ही मीटिंग चालू कर दी युवा मोर्चा की। उसमें भारतीय जनता पार्टी के लोगों को भी बुलाते थे, तो मुझे ओम जी भाई साहब ने खास तौर से कोटा बुलवाया और उन्होंने कहा यार ये तेने बहुत अच्छा किया यार। तो कोटा शहर में भी ऐसा होता था कि जिला इकाई थी लेकिन इकाई के नीचे कोई मंडल नहीं थे, तो उनने वहाँ से इंस्पिरेशन लेके, और कोटा में अब तो उद्योग मंडल हो गया, रामपुरा मंडल, गुमानपुरा मंडल, नायापुरा मंडल, ये सब उसी योजना से बने। कहने का यही है कि ओम जी भाई साहब ये नहीं देखते थे कि कोई बड़ा है छोटा है कार्यकर्ता, जिस कार्यकर्ता ने अच्छा काम किया, जो अच्छी योजना लेके आए उसको तुरंत एडॉप्ट करते थे, अपनी बात तो बताते ही हैं लेकिन कोई अच्छा काम कर रहा है तो उसको भी एडॉप्ट करके और खुद भी वैसा काम करने लग जाता है। नागरिक अभिनंदन आज आप लोगों ने किया,
अब लोकसभा अध्यक्ष का एक बहुत बड़ा जो पदभार है, जो उनके कंधों पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है देश की, उसके बावजूद भी इस क्षेत्र के लिए उन्होंने समय निकाला और इस क्षेत्र ने उन्हें 65,000 वोटों से जीत दी भी सही, लोकसभा में एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन दिया। कितना गौरवान्वित महसूस करते हैं और क्या बदलाव महसूस करते हैं इन 27 सालों में? बहुत आभारी हैं, नमो 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 नमो, बहुत आभारी हैं माननीय प्रधानमंत्री जी के, जिन्होंने कोटा का, हाड़ौती का, राजस्थान का मस्तक ऊंचा कर दिया, कोटा को इतनी बड़ी, इतना बड़ा तोहफा दिया और हम उससे भी बड़ा, उससे भी बड़ी प्रसन्नता ये है कि उन्हें तो हमको मान दिया प्रधानमंत्री जी ने, और ओम जी ने जो जवाबदारी बिरला जी ने को मिली है उस जवाबदारी पे खरे उतर के देश की संसद में एक नया कीर्तिमान बना दिया। चाहे संसद चलाने की बात हो, चाहे नवाचारों की बात हो, नए सांसदों को बोलने की बात हो, जिस दिन इनकी नियुक्ति हुई उसी दिन प्रधानमंत्री जी ने आशंका व्यक्त की थी कि ये बहुत सीधे हैं, सरल हैं, कैसे काम करेंगे, वहाँ देश की 544 छठी छटाई खोपड़ियाँ आती है, कैसे उसको कर पाएंगे। चाहे प्रधानमंत्री जी के मन में ये बात रही होगी, लेकिन हमारे मन में तो पहले दिन से ये बात थी कि जैसे ओम जी भाई साहब युवा मोर्चा और विधायक और सांसद इसमें कार्यकाल में सफल हुए हैं, ऐसे के ऐसे ही लोकसभा के इस पद पे भी सफल होंगे। और मुझे पूरी 5 साल के अंदर जिन समस्याओं की अभाव को दूर करने का काम आपने हमें दिया है, जो दायित्व हमें दिया है, उन समस्याओं और अभावों को दूर कर सके और रामगंजमंडी इस देश का जो कोटा इक्टोन और धनिये की खुशबू के रूप में जाना जाता है, संपूर्ण भारत में इसकी पहचान बने, देश विश्व में पहचान बने, इसके लिए संपूर्ण प्रयास करेंगे। आपने मेरा अभिवादन किया, स्वागत किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कोशिश करूंगा कि आपके विश्वास भरोसे को और रामगंज मंडी की जनता को संबोधित करते हुए ओम बिरला ने ये कहा कि कई इतिहास इस बार लोकसभा में बने हैं और लोकसभा में इतिहास बने हैं लोकसभा की विभिन्न दलों की विचारधारा रखने वाले सांसद, लेकिन देश हित में वो सांसद जो एक हो जाते हैं और सदन पटल पर अपनी बात को रखते हैं एक साथ, एक मत होकर के। साथ ही उन्होंने रामगंज मंडी का जिक्र करते हुए ये कहा कि रामगंज मंडी की जो धरा है, ये रामगंज मंडी की धरा वो धरा है जिसने मुझे सबसे ज़्यादा इस चुनाव में ऐतिहासिक मतों से विजयश्री दिला करके भेजा है। ये कह रामगंज मंडी की जनता के लिए और रामगंज मंडी के जितने भी यहाँ पर संगठन है वो अब स्वागत और सम्मान कर रहे हैं सांसद ओम बिरला का। सांसद होने के साथ साथ लोकसभा अध्यक्ष भी हैं। रामगंज मंडी के विषय में मैं आपको ये बताऊँ कि जब चुनाव हुए थे 2019 के, तो जो ऐतिहासिक जीत ओम बिरला को मिली थी उसमें सबसे ज़्यादा जो योगदान था वो रामगंज मंडी का था, यानी कि तकरीबन 65,000 वोटों से रामगंज मंडी से चुनाव जीते थे ओम बिरला। जो कॉन्ट्रीब्यूशन था वो लगभग 65,000 वोटों का रामगंज मंडी का। खानपुरा हमारे पड़ोसी, अच्छे पड़ोसी हो तो जीवन, विकास चौहान, रीका, ममता, सांवला, रेणु कुमारी, बिट्टू, ललित भी, विचारों की अभिव्यक्ति करने की आजादी हो, जहां निष्पक्ष भी हो, निर्वाद भी हो, निष्पक्ष दिखे भी सही,
जो भारत के लोकतंत्र की पहचान है उस पहचान को स्थापित की जाए। संसद के प्रति जो जनता का विश्वास भरोसा है, आपका जनप्रतिनिधि होने के नाते मेरा दायित्व बनता है कि संसद के प्रति देश की जनता का विश्वास भरोसा और कायम किया जाए, क्योंकि आपका आशीर्वाद है, आपका प्यार है। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने विश्व के अंदर भारत का गौरव सम्मान बढ़ाने का काम किया है। सीमा पर खड़े हमारे जवान ने सुरक्षित भारत करने का काम किया है। खेत में खड़े किसान ने समृद्धि खुशहाली लाने का काम किया है। भारत के व्यापार उद्योगों ने भारत के आर्थिक जगत में नया परिवर्तन करने का काम किया है। भारत एक समृद्ध ताकत बनता जा रहा है। विश्व के कई देशों में जब मैं जाता हूं तो देखता हूं कि भारत का सम्मान विश्वास बढ़ा है। भारत का सम्मान विश्वास भी बढ़ा है, भारत की लोकतंत्र और संसदीय प्रक्रिया से भी भारत का मान और सम्मान विश्वास बढ़ा है। सहमति असहमति होना भारत के लोकतंत्र की पहचान है, और मजबूत लोकतंत्र जब भी होगा, जब लोकतंत्र में सहमति भी होगी असहमति भी होगी, पक्ष भी होगा प्रतिपक्ष भी होगा, सबको अपनी बात कहने की अभिव्यक्ति की आजादी अगर कहीं है तो भारत की संसद के अंदर है, जहां कानून बनते समय हर दल के व्यक्ति को अपनी विचारधारा के आधार पर भी, व्यक्तिगत रूप से भी और देश के अंदर भी अपनी अभिव्यक्ति करने की आजादी का मंदिर संसद है। भारत माता की, भारत माता की, भारत। स्वागतम 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 तेरे अर्पित सुमन आज हम, स्वागतम स्वागतम। कुछ समय में प्लेटफॉर्म क्रमांक 2 पर आ रही है। धन्यवाद।